वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। आज है 29 मार्च। 29 मार्च में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद देवभूमि से भी इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में घंटे का साइन भी आएगा, आप उसको ज़रूर दबा लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सैन्य संचार के लिए उन्नत अति उच्च आवृत्ति उपग्रह AEHF-6 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स ने सैन्य संचार के लिए एक उन्नत अति उच्च आवृत्ति उपग्रह यानी AEHF-6 लॉन्च किया है। उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन शुरू किया है। AEHF-6 को कैप कैनरावेल, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ से लॉन्च किया गया है इसको, कैप कैनावेरल फ्लोरिडा से। पूछ सकता है कहाँ से लॉन्च किया अमेरिका के, तो कैप कैनावेरल फ्लोरिडा से। अब इसके जो रॉकेट है, किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए, तो एटलस V-551 रॉकेट से जो है इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन IIFTC में किसको IIFTC पर्यटन प्रभाव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जोया अख्तर को, ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है, जोया अख्तर को। जोया अख्तर जो है ये फिल्म निर्माता हैं। अब देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन का जो है ये 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण, ये 8वां संस्करण है। तो जोया अख्तर को सिनेमा के माध्यम से विश्व पर्यटन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बात करें IIFTC पर्यटन प्रभाव पुरस्कार की, तो यह एशिया का सबसे बड़ा फिल्म पर्यटन इवेंट पुरस्कार है, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन जो है एशिया का सबसे बड़ा फिल्म पर्यटन इवेंट है। इसका संस्करण आपने याद रखना 8वां संस्करण है, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे, मुंबई में। कहाँ पे हुआ है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 5.2% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 3.5%। कितना कर दिया है, 3.5%। अब देखिए, ये सब जो है कोरोना की वजह से हो रहा है, सभी पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तो बात करें क्रिसिल की, तो क्रिसिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, क्रिसिल जो है एक ग्लोबल एनालिटिक कंपनी है जो रेटिंग अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। क्रिसिल के अधिकांश शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर यानी हिस्सेदार जो हैं वो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स हैं, ठीक है, जो मैकाग्र, ठीक है, मैकाग्र हिल फाइनेंशियल का एक डिवीज़न है और वित्तीय व्यापार खुफिया प्रदाता है। बात करें क्रिसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। मुख्यालय की बात करें इसका, तो मुख्यालय है इसका मुंबई में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान CEO कौन है इस टाइम पे इसके, तो वर्तमान CEO है इसके आशुतोष, ठीक है, वर्तमान CEO है इसके आशुतोष। अब देखिए, ये तो क्रिसिल के अनुसार हो गई, ठीक है, भारत की GDP 3.5%। उसके बाद मोडीज़ ने भी अपनी मोडीज़ ने भी अपनी जो है रेटिंग डाउन की थी, कितनी, 2.5%, ठीक है। उसके बाद फिच ने भी अपनी रेटिंग कम की थी 2021 के लिए, तो फिच के अनुसार कितनी है, 5.1। तो आपने ये तीनों याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में COVID-19 के प्रकोप से प्रभावी रूप से निपटने के लिए किसने बहुस्तरीय उन्नत मास्क और बॉडी सूट सहित कई उत्पादों का उत्पादन शुरू किया है? तो ये उत्पादन शुरू किया है डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने। इसने क्या है, N99, आप याद रखेंगे N99 मास्क, N99 मास्क नैनो जाल, ठीक है, नैनो जाल की दो परतों के साथ, ठीक है, पांच परत वाले मास्क हैं, ठीक है, पांच पर जो N99 मास्क हैं वो नैनो जाल की दो परतों और पांच परतों वाले मास्क हैं, और सूट जो हैं ये धोने योग्य हैं। ये दोनों ए, ठीक है, ASTM यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल मानकों के आधार पर बनाए गए हैं, ठीक है, आप याद रखें किसके मानकों पर इनको बनाया गया है। अब बात करें DRDO की, ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो DRDO जो है भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक इकाई है, ठीक है, किसके अंतर्गत काम करता है, ये भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। जब शुरू में इसकी स्थापना की गई थी तो भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान की तकनीकी विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, नई दिल्ली में, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है हमारे, तो याद रखना आप राजनाथ सिंह, कौन है, राजनाथ सिंह, ये हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। और DRDO के जो महानिदेशक हैं इस टाइम पे, महानिदेशक, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, जी सतीश रेड्डी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी DRDO से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने COVID-19 पर देशव्यापी लॉकडाउन के कितने दिन बाद तक दिल्ली NCR को छोड़कर BS4 वाहन की अनुमति दी है? तो ये दी है 10 दिन बाद तक, ठीक है, 10 दिन बाद तक। देखिए 1 अप्रैल, आप याद रखेंगे 1 अप्रैल 2020 से किसी भी BS4 वाहन को दिल्ली NCR में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, फेडा यानी FADA, फेडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर जो है ये फैसला लिया गया था। देखिए BS4 ये वाहन कौन से होते हैं जो कम प्रदूषण मतलब उत्सर्जन करते हैं, जो कम प्रदूषण उत्सर्जन करते हैं उनको BS4 वाहन बोलते हैं। आपको पता है हाल ही में अभी BS6, ठीक है, BS6 उत्सर्जन नियम जो है 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से जो है वो प्रभावी हो जाएगा। देखिए बात करें अब उच्चतम न्यायालय की, यहाँ पे बात आई है उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की, तो यह भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे स्थित है ये, तिलक मार्ग नई दिल्ली में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तिलक मार्ग नई दिल्ली में। किस भाग के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, तो भाग 5 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद के तहत आता है उच्चतम न्यायालय, तो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक जो है वो उच्चतम न्यायालय आता है। देखिए इसमें जो निर्वाचन पद्धति होती है, इसमें कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा जो है वो जजों की नियुक्ति की जाती है। एक यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान में यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश सहित जो है पदों की संख्या कितनी है, तो 33 जो है न्यायाधीश और एक जो है मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल है 34, ठीक है। न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े जी, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े जी। ये कौन से नंबर के हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, तो ये 47वें नंबर के हैं। 46वें नंबर के कौन थे, रंजन गोगोई जी। देखिए अब ये तो अपने वर्तमान हो गए, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े जी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, एच जे कानिया जी, एच जे कानिया जी जो थे ये प्रथम
मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक उद्योग के हितधारकों के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया? तो ये आयोजित किया था पीयूष गोयल जी ने। किसने किया था? पीयूष गोयल जी ने। बात करें पीयूष गोयल जी की, तो ये कौन है? रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। इस बैठक में स्नैपडील, शॉपक्लूज, फ्लिपकार्ट, जोमेटो आदि ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जिसमें बिना सरकारी नौकरी के परिवार शामिल हैं? तो ये घोषणा की है सिक्किम ने। किसने घोषणा की है? ये सिक्किम ने। देखिए सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं, पीएस, ठीक है, पीएस तमांग यानी प्रेम सिंह तमांग ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसमें लॉकडाउन के दौरान सिक्किम में कार्यरत सभी फार्मा, ठीक है, फार्मा कंपनी में काम करने वाले मजदूरी के, ठीक है, मजदूरों के लिए 300, आप याद रखेंगे, 300 रुपये का दैनिक वेतन और बिना सरकारी नौकरी के परिवार को चावल, दाल, ठीक है, खाना और पकाने के लिए तेल, नमक, आलू और प्याज का प्रावधान शामिल है। तो आप याद रखेंगे ये वाला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जिसमें बिना सरकारी नौकरी के परिवार शामिल है? तो ये घोषणा की है सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने। अब देखिए सिक्किम की बात आई है, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है राजधानी? गंगटोक जो है यहाँ की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर भी जो है यहाँ का गंगटोक ही है। यहाँ की जिलों की बात करें तो यहाँ पे 4 जिले हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 1 अप्रैल 1975 में इसका गठन किया गया था। मुख्यमंत्री आपको बता दिए यहाँ के प्रेम सिंह तमांग हैं, और राज्यपाल कौन है यहाँ के? गंगा प्रसाद। राज्यपाल कौन है यहाँ के? गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए सचिन तेंदुलकर ने कितने रुपए दान किए हैं? तो इन्होंने दान किए हैं 50 लाख रुपए, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है, एक क्रिकेटर हैं। इसके अलावा बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, उन्होंने जो है कोविड-19 के वंचितों के लिए जो है 50 लाख रुपए के चावल, ठीक है, चावल दान किए हैं। इनके अलावा इरफान खान और यूसुफ ने जो है बड़ौदा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को जो है 4,000 फेस मास्क जो है दान किए थे। उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने जो है 1 लाख रुपए का जो है दान दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ त्वरित मुकदमे दर्ज किए जाने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया है बिहार सरकार ने, ठीक है। किसने ऐलान किया है? ये बिहार सरकार ने, जो वहाँ के पुलिस महानिदेशक हैं गुप्तेश्वर पांडे, ठीक है, बिहार के जो पुलिस महानिदेशक हैं गुप्तेश्वर पांडे, तो ये जो जो है वहाँ पे पैनी नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है, बाजार में, मतलब जो भी आप इस समय लॉकडाउन के टाइम पे अगर वहाँ पे सामान लेने जाते हैं, कुछ भी आवश्यक सामग्री, अगर कोई फालतू ज़्यादा पैसा लेता है तो उसकी तुरंत जो है उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे वहाँ के पुलिस महानिदेशक कौन है? गुप्तेश्वर पांडे। अब बात आई है देखिए बिहार की, तो बिहार की जो राजधानी है वो क्या है? पटना। क्या है यहाँ की राजधानी? पटना। मुख्यमंत्री आपको पता है यहाँ के कौन है? नीतीश कुमार। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागपुर नगर निगम ने किसके सहयोग से कोविड-19 ऐप विकसित किया है? तो ये किसके सहयोग से किया है? नागपुर नगर निगम, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। कहाँ पे है ये नागपुर नगर निगम? तो ये महाराष्ट्र में है। तो इसने अभी हाल ही में HLL लाइफ केयर के साथ मिलकर, ठीक है, एक कोविड-19 ऐप विकसित किया है। देखिए बात करें HLL लाइफ केयर की, तो यह है हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड लाइफ केयर। तो महाराष्ट्र के नागपुर नगर निगम ने और HLL लाइफ केयर ने जो है मिलके एक कोविड-19 ऐप जो है विकसित की है। इस ऐप के माध्यम से जो है
खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई की समस्या से रोगग्रस्त नागरिक इस ऐप पर अपने लक्षणों के बारे में जो है जानकारी भर सकते हैं। अब देखिए नागपुर नगर निगम महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में COVID-19 को हराने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेना द्वारा जब भी कोई ऑपरेशन शुरू किया जाता है भारत में, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये शुरू किया है भारतीय सेना ने। किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। ठीक है, भारतीय सेना ने COVID-19 से लड़ने के लिए जो है 8 संगरोध, ठीक है, संगरोध केंद्र भी स्थापित किए हैं। तो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय सेना ने COVID-19 से लड़ने के लिए कितने संगरोध केंद्र जो है वो स्थापित किए हैं। तो 8 संगरोध केंद्र भी स्थापित किए हैं और साथ में ऑपरेशन नमस्ते भी जो है वो शुरू किया है। बात करें भारतीय थल सेना की, भारतीय सेना की यानी इसका जो सबसे बड़ा जो अध्यक्ष होते हैं भारतीय थल सेना के, ठीक है, भारतीय सेना के अंतर्गत थल सेना अध्यक्ष, तो वो आपको याद होना चाहिए, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, वर्तमान में जो है ये थल सेना अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जाता है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को, ठीक है। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लॉयड कार्डोस का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है सैफ, ठीक है, एक ये खानसामा है, काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने मुंबई में, ठीक है, मुंबई में सफल बॉम्बे कैंटीन, ओ पेड्रो और बॉम्बे स्वीट शॉप जो है चलाया था। इनकी मौत अभी हाल ही में हुई है, किस वजह से? कोविड की वजह से, ठीक है, COVID-19 की वजह से इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। हमने आपसे कल एक सवाल पूछा था, मो जीवन, ठीक है, माई लाइफ कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था उड़ीसा सरकार द्वारा, ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि मो जीवन या माई लाइफ कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। आज का सवाल आपके लिए, जिसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ठीक है, आप जो आपसे सवाल किया जाता है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आप अगर एक बार उसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो उस क्वेश्चन को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज का सवाल आपके लिए, मार्च 2020 में RBI ने रेपो रेट 5.15% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, ठीक है, फेसबुक अकाउंट पर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।